नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई योर स्पेस में आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज इन हिंदी। आई वुड रिक्वेस्ट इंग्लिश व्यूअर्स टू स्विच ऑन द इंग्लिश सबटाइटल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे बेहतरीन एंड यूजफुल कुकवेयर एंड किचन टूल्स शेयर करूंगी जो किचन में मेरी कुकिंग रूटीन को आसान बना देते हैं। अगर आप सोच समझ के अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी के कुकवेयर खरीदेंगे तो वह आपका सालों साल साथ निभाएंगे। अगर आप अपना कुकवेयर अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या आप नया घर बसा रहे हैं तो ये वीडियो आपको मदद कर सकता है। आज जो भी कुकवेयर मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सभी मेरे फेवरेट हैं और इन्हें मैं रोजाना यूज करती हूँ। सही स्टील कुकवेयर सिलेक्ट करने के लिए जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। आज का ये वीडियो मिस्टर कुक के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ये छोटे और क्यूट से मिस्टर कुक के स्पार्क्स 1 लीटर के स्टील प्रेशर कुकर से। ये साइज में बहुत छोटा है मगर बहुत ही काम की चीज़ है। यह कुकर 304 हाई क्वालिटी स्टील ग्रेड से बना हुआ है। यह ड्यूरेबल इंडक्शन बेस के साथ आता है जो कि हर तरीके के कुकटॉप और इंडक्शन में काम कर सकता है। जल्दी में पराठे बनाने हो तो ये बिना ज़्यादा टाइम और गैस वेस्ट किए फटाफट 3-4 आलू बॉयल कर देता है। एक से दो लोगों के लिए चावल या खिचड़ी बनाने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। बेबी फूड बनाने के लिए भी ये न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही मददगार है और इसे आप अपने साथ कहीं ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। मेरे बेटे की फटाफट फरमाइशों को पूरा करने के लिए ये मेरे बहुत काम आता है और हाँ, ये डिशवॉशर सेफ भी है। दूसरा कुकवेयर है ये मिस्टर कुक का इजी लॉक स्टेनलेस स्टील कुकर। मेरे पास ये 5 लीटर में है। इसमें आपको 3 लीटर वाला साइज भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये 3 सेफ्टी वॉल्व्स के साथ आता है जिसकी वजह से ये काफी सेफ है। इसमें 2-way लॉकिंग सिस्टम है। साइड लॉकिंग क्लैंप्स जो कि 2.5 mm थिक हैं की मदद से इसे ओपन और क्लोज करना बहुत आसान है। आप इसकी लिड किसी भी डायरेक्शन से लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। इसमें ऑटो लिड लॉकिंग भी है। इसके लिड में यहाँ एक प्रेशर इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि कुकर में प्रेशर है या नहीं। इंडिकेटर बंद होने के बाद ही लिड ओपन हो पाएगी। इसके लिड को आप एक हाथ से भी आराम से ओपन कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग एंड टफ स्टील से बना हुआ है जो कि इंडक्शन फ्रेंडली भी है। इसमें आप कम तेल में बढ़िया खाना बना सकते हैं। इस कुकर का वाइड माउथ होने की वजह से आप इसे कढ़ाई या हांडी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी बनाने के लिए या कुछ डीप फ्राई करने के लिए। वाइड माउथ होने की वजह से खाना बनाते टाइम स्टरिंग इजी और विजिबल होती है। कढ़ाई की तरह यूज करने के लिए आपको इसके साथ एक ग्लास लिड भी फ्री मिलती है। और बढ़िया बात ये कि इसमें खाना बनाकर इसे इमीडिएटली टेबल पर सर्व भी कर सकते हैं। वर्सटाइल और इजी लॉकिंग सिस्टम होने की वजह से यह एक बहुत ही बेहतरीन कुकवेयर बन जाता है। अगर आप एक अच्छा मजबूत और वर्सटाइल इडली मेकर ढूंढ रहे हैं तो आप इस टाइप की इडली कढ़ाई ले सकते हैं। मेरे पास ये मिस्टर कुक की ब्यूटीफुल इडली कढ़ाई है जिसका बेस हार्ड एनोडाइज मटेरियल का है। इसमें आप एक बार में 14 इडलीज बना सकते हैं। इस कढ़ाई में 10 मिनट्स में बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट इडलीज बन जाती हैं। इसके साथ आपको एक स्टीमिंग प्लेट और 2 ढोकला बेस भी मिलते हैं जिससे कि आप मिनटों में बढ़िया ढोकला बना सकते हैं।
इसका बेस क्योंकि काफी मजबूत मटेरियल से बना हुआ है, इसमें जलने का खतरा नहीं होता और साथ ही साथ इसे सिर्फ कढ़ाई की तरह भी यूज किया जा सकता है। आप डायरेक्टली इसके अंदर खाना पका सकते हैं या फिर कुछ फ्राई कर सकते हैं। एक और बेहतरीन और वर्सेटाइल कुकवेयर इजी कुकिंग के लिए। ये स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल इडली कढ़ाई किचन में रखी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। नेक्स्ट आता है कास्ट आयरन स्किलेट, जो कि मेरा पसंदीदा है और इसे मैं काफी महीनों से यूज कर रही हूँ। ये हैवी कास्ट आयरन से बना हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यह भी मल्टीपर्पज एंड मस्ट हैव है आपके किचन के लिए। ये रोजाना ऑमलेट या एग फ्राई बनाने के लिए मेरे बहुत काम आता है। ये बिल्कुल नॉनस्टिक की तरह है और इसमें बिल्कुल भी खाना नीचे चिपकता नहीं है। इसको मैं पैनकेक्स बनाने के लिए और उत्तपम बनाने के लिए भी यूज करती हूँ। कम ऑयल में बहुत ही अच्छा खाना बन जाता है। अगर आप अपना नॉनस्टिक पैन रिप्लेस करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बस ध्यान रखें इसमें जंग ना लगे, जिसके लिए इसको हमेशा ग्रीस करके ही रखें। कास्ट आयरन स्किलेट को आप ओवन में भी यूज कर सकते हैं बेकिंग के लिए। हो गया ना एक और वर्सेटाइल कुकवेयर। अगला कुकवेयर है रोटी मेकर। ये हैवी आयरन से बना हुआ है। अंदर इसके स्टील की अच्छी क्वालिटी की प्लेट्स लगी हुई हैं। इससे रोटी तो कोई खास नहीं, लेकिन पूरियां बेहतरीन बनती हैं। मैं पूरियां अच्छे से बेल नहीं पाती, इसलिए ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा सा दोनों प्लेट को ऑयलिंग कीजिए और अब पूरी का पेड़ा यहाँ बीच में रखें। ऊपर के लिड को बंद करें और इस तरीके से हैंडल को नीचे की तरफ दबाएं। बहुत ही बढ़िया पूरियां बेली जाती हैं इससे। घर में अगर मेहमान आने वाले हों तो जल्दी में गर्मा गर्म पूरियां बनाने में यह आपकी बहुत मदद करता है। इसके अलावा ये बढ़िया लच्छा पराठा बेलने के भी काम में आ जाता है। मक्की की रोटियां या पराठा बेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये साइड से टूटती रहती हैं। मगर रोटी मेकर की मदद से आप फटाफट इसमें मक्की के पराठे बेल सकते हैं। इसको आप ग्लूटेन फ्री रोटियां बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि हाथ से बेलना बहुत मुश्किल होता है। एक ड्रॉबैक इसका जरूर है कि बिना ऑयलिंग के इसमें आटा चिपक जाता है, तो ऑयलिंग इज मस्ट। तो यह थे मेरे कुछ रोजाना काम में आने वाले पसंदीदा कुकवेयर। आज दिखाए जाने वाले सभी प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप हमारा Amazon स्टोर फ्रंट भी विजिट कर सकते हैं। इसमें सिंप्लीफाई योर स्पेस के सभी फेवरेट प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। स्टोर फ्रंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाई योर स्पेस को इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम सिंप्लीफाई योर स्पेस। बाय बाय।